दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों को। आज अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम के साथ गत वर्षों की बात मनाया जाएगा। आज रिकॉर्ड कायम होगा और इतनी संख्या वहां उपस्थित होने वाली, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, 50 देशों से अधिक देशों के राजदूत वहां पर आ रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यदि कोई पटाखे जलने से कोई घटना घटती है, अन्य कोई दुर्घटनाओं में, सभी को सतर्कता मोड पर हमने रखा है। सभी अस्पतालों में आकस्मिक चिकित्सा विभाग को सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि दिवाली पर घटनाएं कभी कभी बर्न केसेज अधिक आते हैं और सभी बर्न यूनिट को भी सक्रिय करने। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। एक और दीपोत्सव का महान पर्व अयोध्या की धरती पर, भगवान राम की जन्मस्थली पर, जब जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम पधारे थे, लोगों ने दीप जला करके, घर घर दीप जला करके इस धरा पर के उनका स्वागत करने का काम किया था, उसी का अनुसरण करते हुए जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी, लगातार अयोध्या की धरती पर हम दीपोत्सव का भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम करते आए हैं। प्रतिवर्ष अपना है कीर्तिमान दीप प्रज्वलित करने में बनाते हैं और हर साल अपना ही कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इस साल भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस साल सबसे खास बात यह होगी कि महामहिम राज्यपाल जी यहाँ रहेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक इस धरती पर इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। आज प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से होता है, सुबह भगवान राम की भव्य दिव्य झांकियों का यहाँ से आज शुभारंभ होगा, नगर भ्रमण करेगी और इसके साथ ही आज का दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 22 जनवरी की राम की पाद प्रतिष्ठा होने जा रही है, अलौकिक भव्य दिव्य राम मंदिर का जो तैयारी हो रही है, 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उसका भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ लोकार्पण कार्यक्रम होगा और सनातन संस्कृति को मानने वाले पूरी दुनिया में विश्व पटल पर रहने वाले लोगों के लिए ये अभूतपूर्व क्षण होगा, क्योंकि 500 वर्षों से ज्यादा के लंबे संघर्षों, बलिदानों, त्याग और तपस्या के बाद वो क्षण आने वाला है कि रामलला अपने मूल स्थान पर।